इस हफ्ते बड़े पर्दे पर दो फिल्में रिलीज हुईं, पहली ठाकरे, दूसरी मणिकर्णिका। दोनों फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में कामयाब रही कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 40 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की। इस शुक्रवार को रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन काफी अच्छा रहा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर बनी इस फिल्म ने पहले दिन 7 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 17 करोड़ 75 लाख रुपए और तीसरे दिन इसका कलेक्शन 14 करोड़ 75 लाख रुपए रहा। यानी फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 40 करोड़ 25 लाख रुपए रहा। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी के कई पहलू को उजागर करती है, एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी और एक रानी। पर सबसे अधिक जिस पहलू पर फिल्म में जोर दिया गया है वो है बतौर रानी उनकी बहादुरी। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता बाल ठाकरे पर बनी फिल्म ठाकरे भी रिलीज हुई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म ठाकरे ने पहले दिन 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 10 करोड़ रुपए और तीसरे दिन 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। यानी फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन कुल 24 करोड़ रुपए रहा। फिल्म को मराठी और हिंदी भाषा में रिलीज किया गया और वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक ये फिल्म मराठी भाषा में ज्यादा अच्छी कमाई कर रही है। ललिता कश्यप, गो न्यूज़।